बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS614 डेटा वेयर हाउस, इसकी असाइनमेंट हमेशा ही सिमिलर होती है, इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज है। और इसमें जब आपने जमा करवाना है तो LMS के अंदर जमा करवाना है आपने। आप इमेज भी जमा करवा सकते हैं, टेबल भी जमा करवा सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन इंसर्ट द इमेज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, इमेज कैन बी, तो इमेज वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेबल बना सकते हैं, ख़ुद से टाइप कर सकते हैं, डायरेक्टली LMS में जा कर करना पड़ेगा ये। और इसकी मैं पेड असाइनमेंट नहीं बनाऊंगा, ये सिंपल सी है। आपको क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, उसमें ये टेबल है, इसको आपने कन्वर्ट करना है टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसमें बनाना ही सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म टेबल है, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनता ही नहीं है जब तक वो सेकेंड में ना जाए। और इसमें हमने बताना भी है कि ये ऑलरेडी जो टेबल दिया हुआ है ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मलाइजेशन है, कुछ लोगों को पता होगी ये 304 के अंदर थी। इस दफ़ा भी असाइनमेंट इसके रिलेटेड आ जाती हैं, आपने अपनी डेटाबेस खुद बनानी भी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। टू कन्वर्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इन टू सेकेंड एंड द रिजल्टेंट टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म ओनली रिक्वायर्ड। आपने जो बनाना है वो आखिर पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के दो टेबल बनाने हैं, और शुरू में आपने एक चीज़ बतानी है कि ये टेबल क्या किस नॉर्मल फॉर्म में है। जिस टेबल में हर खाने में हर सेल में वैल्यू सिंगल होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि S17005 और S15 इसी एक ही डब्बे में होते, एक ही सेल में होते और ये नाम दोनों एक ही खाने में होते, तो यहाँ असिस्टेंट और मैनेजर एक ही खाने में होते या दोनों की सैलरी, तो फिर ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होनी थी। फिर उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करने के लिए हमें हर सेल के अंदर अलग अलग वैल्यू रखनी होती है। जब हम ऐसा कर दें तो उसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। द टेबल इज़ ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एज ईच सेल कंटेन अ सिंगल वैल्यू। हर सेल में सिंगल वैल्यू है, तो ये आपने पहली लाइन लिखनी है, ये उन्होंने पूछी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द गिवन टेबल। अब हमने उसको लेके जाना है, उन्होंने बताया कि आप थर्ड में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले सेकंड में जाना पड़ता है। सेकंड में चलते हैं नहीं, स्टाफ टेबल को हमने अलग कर लिया। इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैं थोड़ा जूम कर लूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ जी, स्टाफ टेबल है, इसमें वो स्टाफ के जितने मेंबर हैं वो उनके नाम, उनकी पोजीशन, उनकी सैलरी और ये ब्रांच नंबर, ये मैंने एज अ फॉरेन की ही रखा है इसको लिंक करने के लिए दूसरे टेबल, क्योंकि दूसरा टेबल इससे सेपरेट कर लिया गया है, उसको ब्रांच टेबल बोलेंगे जिसमें ब्रांच के रिलेटेड डाटा होगा। ये देखें, अब यहाँ पे ब्रांच टेबल है, वहाँ B001, B001, B002, तो ये ब्रांच टेबल है, हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, सेकंड से हमने जाना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग, अब आपने जो बनाना है वो ये टेबल बनाना है, मतलब जो आपने अपनी असाइनमेंट का जो सोल्यूशन लिखना है वो ये वाला होना चाहिए, पिछला नहीं लिखना। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपने नहीं आउटपुट में देनी है, आपने असाइनमेंट में जमा नहीं करवानी है, आपने सिर्फ थर्ड नॉर्मल करवानी है और एक लाइन ऊपर जो रेड है वो लिखनी है। स्टाफ नंबर और ये दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें तो इनको हम अलग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक दफ़ा ही ब्रांच टेबल में ये रिकॉर्ड आए, ये और देन 1, 2, 3, 4, ज़्यादा दफ़ा हम रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे, जितने भी रिकॉर्ड लिखेंगे वो सिंगल टाइम आएंगे। दिस इज़ योर आउटपुट टेबल जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आया ब्रांच के लिहाज से, ये ब्रांच का ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ये उसके बाद ये उसके साथ इधर उसकी फॉरेन की लग जाएगी तो ये टेबल इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें, ये टेबल बनाना है,
ये आउटपुट है आपकी जो आपने देनी है, और एक लाइन ऊपर वाली लिखनी है, वो जो ऊपर लिख के आया हूँ कि जो गिवन टेबल है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और ये आपने दूसरी चीज़ बनानी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही टेबल आपने सबमिट करना है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है, कस्टमर और आर्डर, वो कुछ टेबल मास्टर टेबल दिया और उसकी डिटेल्स दी हुई हैं आपको, 8 बाइट का बताया हुआ है आपको, ये भी बताया हुआ है और हिंट भी एक दिया हुआ है रिकॉर्ड का, डी नॉर्मलाइज का। अब हमने इसको हल करना है, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर प्लस एडर साइज ऑफ ऑर्डर माइनस रेफरेंस कॉलम साइज। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, कस्टमर का 60, ऑर्डर का 70 और रेफरेंस 8, तो ये हमारे पास 122 बाइट्स बनेंगी। हमारा एक आंसर, एक रिक्वायरमेंट ये होगी पूरी। उसके बाद कैलकुलेट द साइज़, हमने आगे रिजल्टेंट टेबल का साइज़ कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें चाहिए था वो जो हिंट दिया हुआ था उसको देखना था, रिकॉर्ड्स को, तो उसको हम यूज़ करेंगे। 122 मल्टीप्लाई बाय वो जो वैल्यू थी, और हमारे पास ये आ जाएगी दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए थी, साइज़ ऑफ द रिजल्टेंट टेबल इन बाइट्स, हेडर साइज़ ऑफ द रिजल्टेंट टेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बाइट्स में हमें आंसर चाहिए था, और यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं, या 1024 की पावर 2, 1024 की पावर 3, 1024 की पावर 1, इस तरह कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ये 1 TB के लिए इतने बाइट्स हैं, इनके थ्रू डिवाइड करवाना है, या फिर वो 1024 उससे करवा सकते हैं। आंसर आपका जो सिंगल साइज इन मेगाबाइट्स आ रहा है, वो ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय MB निकालने के लिए हमें इन से ज़रब तकसीम करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 610 MB आएगा। इसी तरह इसके लिए इससे डिवाइड करवाएंगे तो 0.61 GB आएगा, और लास्ट ये टेराबाइट के लिए, और ये हमारे पास इसको डिवाइड करवाएंगे तो 0.00061 TB आ जाएगा। तो ये हमारी असल असाइनमेंट थी, आपने इसको इस तरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसको अगर आपने 1024 से तकसीम करवाया तो वो भी ठीक है, इस तरह बाइट्स निकाल लिया तो वो भी ठीक है, अगर हमने ये कुछ भी नहीं किया और बस डिवाइडेड बाय करवा दिया तब भी आपका ये 610 MB, 0.6 GB और ये TB आ जाना चाहिए। आप मेरी पिछली CS6114 की देख सकते हैं असाइनमेंट, उनमें इस तरह के सवाल पिछले 2 सालों से 4-5 असाइनमेंट्स में किए हुए हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल सकता है। आपने यहाँ पे इन सब को LMS के अंदर जा कर जमा करवाना है। ये आपकी एक आउटपुट है, उसके बाद मैं इनको नहीं दिखा रहा, एक आपकी ये लाइन लिखनी है, दैट्स इट, ये आपका सलूशन है। आई होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। मैंने इसको कंट्रोल एस भी कर दिया, आप खुद बनाएंगे। अब इस असाइनमेंट का भी पेड़ लोग बनवाते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि ये सबसे आसान है और इसमें टीचर नंबर भी नहीं काटता। एनीवे, थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच।